केंद्र सरकार व राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था कानून गलत इस्तेमाल। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों को लेकर नए नए कानून बनाती है। वही कानून का कभी कभी गलत इस्तेमाल करके बेगुनाहों को फंसा दिया जाता है और बेगुनाह जेल जाकर अपनी बेगुनाह होने के बावजूद जेल में पड़े रहने को मजबूर है। दुष्कर्म के मामले में ज्यादातर महिलाओं की बातें मानी जाती है। महिला ने अगर किसी पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया तो सामने वाले को जेल भेज दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति को दुष्कर्म के आरोप में फंसाया गया, जबकि महिला ने बताया कि मुझसे दबाव में यह केस लगाया गया है। लेकिन जब निर्दोष अभियुक्त जेल चला गया तब महिला गुनाह स्वीकार करते हुए बताया कि लड़का निर्दोष है और मेरे ऊपर किसी का दबाव था जिसके चलते मैंने फर्जी मुकदमे में फंसा दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के ग्राम सिमरिया थाना अतर्रा का है, जहां पर एक महिला कमलेश कुमारी पत्नी रामसिया पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम मंडल बांदा को अपना शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र देते हुए बताया। महिला का नंदोई हरीशचंद कुशवाहा कुछ कागजों में दस्तखत करवा करके अतर्रा थाने ले गए और डरा धमका करके राजेंद्र कुशवाहा के खिलाफ दुष्कर्म करने का बयान देने का दबाव बनाने लगे। मैं डर करके उनके बहकावे में आकर मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दिया कि राजेंद्र कुशवाहा मेरे साथ दुष्कर्म किया है, जबकि राजेंद्र कुशवाहा मेरे घर आज तक नहीं आया है। राजेंद्र को मैंने शादी के समय देखा था, इसके बाद आज तक नहीं देखा। महिला की शादी लगभग 27 से 28 वर्ष पहले हुई थी, जबकि राजेंद्र पुत्र मदन निवासी कुलिकुमारी फौज में है और उसने महिला के अनुसार ना उसके घर आया ना ही उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि वह गांव की अनपढ़ कम पढ़ी लिखी हुई महिला है, इसका फायदा उठाते हुए उससे राजेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म का केस लगवाया गया है। जिला अस्पताल बांदा में महिला का मेडिकल भी कराया गया, जिसमें बताया कि रोहित ने अपने प्रभाव से डॉक्टरों से मिलकर बयान लिखवा दिया। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर महिला ने उक्त लड़के पर गलत आरोप लगाए हैं तो डॉक्टर ने कैसे फर्जी रिपोर्ट लगा दी? क्या पुलिस प्रशासन को भी इसकी छानबीन अच्छे से नहीं करना चाहिए था? अगर इस तरह फर्जी मुकदमों में दुष्कर्म के मामलों में फंसाया जाने लगा तब तो आए दिन महिलाएं जो दुष्ट प्रवृत्ति की है वह किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजवा देगी। सरकारों के द्वारा यह तय किया जाना चाहिए कि इस मामले में कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें निर्दोष जेल ना जाएं या कोई भी महिलाएं हो या पुरुष किसी मामले में निर्दोष ना फंसे। रिपोर्ट राधेश्याम। कमलेश कुमारी कहाँ रहती है? क्या कारण है जो आपके पास आई थी? जो हरिश्चंद कुशवाहा ने मेरे एप्लीकेशन डलवाया है और कि उसके अपने दमान के कारण उसी के मतलब मेरे FIR मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। किस बात को लेके मुकदमा दर्ज करवाया है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। फिर किस कारण मुकदमा दर्ज करवाया? मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, बिल्कुल सही सारा गलत कर रहे हैं। मेरे पता नहीं मेरे कौन उस झलम की दुश्मनी भंजा रहे हैं हरिश्चंद और रोहित। कैसे मुकदमा लिखवाया है? मुझसे कुछ नहीं लिखवाया, मुझसे साइन बस करवाया है और जब मेरे पेपर में निकला है, जब मेरे मड़ई आए हैं और लड़का मेरे माँ आई है, जब मुझे किचन के अंदर बंद करे थे, जो आते थे दरवाजे से बाहर भगा देते थे, कह देते कि यहाँ नहीं है कोई। कौन है वो? वो सगी हमारी नंद है और हरिश्चंद। हरिश्चंद कौन है? मेरा सगा नंदोई है। क्या किया है तुम्हारे साथ? मेरे साथ मतलब अपने दामाद के उनकी लड़ाई चल रही है तो मुझे बीच में डाल के अब मुझे FIR करवा रहे हैं। मतलब पुरानी रंजिश के चलते आपको फंसा रहे हैं क्या? जी, मेरा कुछ नहीं है, कह रहे तुम्हारे आदमी को हरिचंद के दमान FIR करवाया है तो उसी के लाने तुम्हें एप्लीकेशन डालना है, वही का साइन करवाना है, वही सब तुम्हें लगना। किस मुद्दे पे FIR करवाया है? क्या लिखवाया है? तुम्हारे पति को मतलब बिड़वा रहे हैं थाने में, तो अगर तुम नहीं करोगे इस तरह तो तुम्हारा पति जेल चला जाएगा। यानी आपके द्वारा कैसा मुकदमा कायम करवाया है, क्या लिखवाया है? ये सब मैं देखा नहीं, लेकिन पता चला जब पेपर में निकला है 76 लगाया है। 76 लगाया जी। अब उसमें आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं थाना या अदालत से बहुत दूर बच के रहना चाहती हूँ, कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ और कि बनी मजूरी करके खाती हूँ, कि मुझे ये सब पूरा फाइनल करवा दो। आज DIG साहब के पास गई थी, क्या आश्वासन दिए, क्या कहा उन्होंने? उन्हें कहा कि तुमने एप्लीकेशन लाओ जो डाला है, तो मैंने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो करवाया है उसी के पास सब है। क्या मांग करती हैं आप उसमें? उसमें एप्लीकेशन जो मुकदमा डायल कर दिया है तुम्हारा, तो वो लाओ सबूत। तो मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जब मैंने डाला नहीं मेरे पास सबूत नहीं।
क्या चाहती हैं आप इसमें? इसमें मैं चाहती हूँ कि मेरा फाइनल करवा दो। अगर आपका फाइनल नहीं हो रहा तो क्या करूँ मैं? अपनी जान में हत्या कर लूँगी।